क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनील है। कहाँ से हैं आप? जी मैं मध्य प्रदेश से हूँ, एमपी जबलपुर से हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये रात को 5 बजे आके बैठते हैं भैया, 5 बजे से रात को 8 बजे तक रहते हैं। गाड़ी नया भी है तुम्हारा, अंडर लोड है गाड़ी, इसके बाद भी 1500 रुपये एंट्री नहीं दोगे तो साला डंडा से मारते हैं, गाड़ी में मारते हैं, कहीं कांच फोड़ते हैं, ऐसा दादागिरी गुंडागिरी चलता है इनका, बहुत परेशान है भैया। नहीं तो ये सुबह सुबह लगाते हैं क्या जी? कितनी देर लगा दे? 5 बजे रात को आके बैठते हैं, 5 बजे रात से। अच्छा, 5 बजे सुबह? हाँ, सुबह आके बैठेंगे रात तक, साले रात तक। कच्चा माल की गाड़ी इनके वजह से लेट होती भैया, क्योंकि इनके चक्कर में ड्राइवर निकलते नहीं, गाड़ियों वाले निकलते नहीं, क्योंकि 1500 रुपये एंट्री लेते हैं। और अगर तुम्हारी एंट्री भी लेते हैं तो 1 महीने की एंट्री है ना, अगर ये 25 तारीख को एंट्री करेंगे 5 दिन बाद इनकी एंट्री खत्म। ऐसा नहीं तो एंट्री काहे की लेते हैं? अरे अवैध वसूली भैया, कोई एंट्री नहीं, अवैध वसूली। एक पर्ची देते हैं आपको, अवैध वसूली है ये। तुम्हारी गाड़ी अंडर लोड है, गाड़ी में कुछ नहीं प्रॉब्लम है, नया गाड़ी तो भी एंट्री। मतलब शहर के अंदर आ गए तो एंट्री चाहिए? शहर नहीं, बाईपास में, शहर एयर में भी नहीं घुसना, बाईपास में। वही रतहरा वाले बाईपास की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही जो टोल के पास आप वीडियो बनाए ना, वहीं पे खड़े रहते हैं ये। हाँ, उधर ही खड़े रहते हैं, आज से नहीं है, कम से कम 3 साल से है भैया, अभी तक तुमने वीडियो बनाया पहला वीडियो इनका, बहुत अच्छा किए भैया हमारे लिए। तो आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? गाड़ियां हमारी गाड़ियां एक ही गाड़ी है, लेकिन चलते हैं, पर इनके वजह से कच्चा माल खड़ा करते हैं भैया, चलते नहीं है, क्योंकि ये लोग 1500 रुपये एंट्री लेते हैं। इधर लेते तो लेते हैं, फिर हर जगह आरटीओ, एक तो फिर हनुमाना में भी जाके एंट्री देना 800 रुपये। अच्छा, हनुमाना में भी एंट्री लेता है 800 रुपये, किधर किधर पैसे दे, इतना गाड़ी वाले को थोड़ा पैसा बच रहा है भैया। तो हर चक्कर ये लेते हैं क्या? नहीं, महीने का एंट्री रहता है इनका। अच्छा, 1 महीने में 1500 रुपये देना है तुमको, चाहे तुम 25 तारीख को आओ चाहे 1 तारीख को आओ। अच्छा, हाँ, महीना टू महीना एंट्री है, ऐसा भी नहीं है कि 25 तारीख को एंट्री कर दिया तो अगले महीने की 25 तारीख चलेगी, नहीं, महीना खत्म, तुम्हारी एंट्री खत्म, फिर आओ फिर एंट्री कराओ, ऐसा है। अच्छा, महीना खत्म, एंट्री खत्म? एंट्री खत्म, बिल्कुल ऐसा एंट्री, ऐसा चलाते हैं ये। तो आप लोग ये बताइए, वीडियो वगैरह क्यों नहीं बनाते हैं भैया? वीडियो, फोन अगर तुम्हारा सामने की जेब में रखा, पहले इसका जेब में कैमरा अंदर रखो बोलता है, मोबाइल लेके मत आओ, ऐसा है। वो 4-5 जो घूम रहे हैं पुलिस वाले नहीं, गुंडे हैं साले, अगर तुम मोबाइल लेके जाओगे साले डंडा मारते हैं ड्राइवरों को, ऐसा चलता है। बहुत बहुत ज्यादा वो चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, एकदम वसूली खुलेआम चल रही है, सबको, सब अधिकारी आते जाते हैं उधर से, पुलिस वाले सभी को मालूम है कि एंट्री चलती, कोई कुछ नहीं बोलता भैया, सभी जाते आते हैं उधर से, घूमते हैं रोड में, ले रहा है वो एंट्री। अच्छा, तो ऊपर इनका लगता है, ऊपर का टाका है भैया इनका, कहीं लगता है मुझे, क्योंकि सभी को पता है ना एंट्री लेते हैं करके, सबको मालूम अवैध वसूली है करके, गाड़ी का तुम्हारा पेपर रोक के फिटनेस रोक के अंडर लोड गाड़ी चाहिए एंट्री, आप बताइए नया गाड़ी। और हाईवे में तो ऐसे भी चेकिंग नहीं करनी चाहिए इनको? नहीं तो तुम चेकिंग कर रहे हो, चलो मानता हूँ मैं, जब तुमने चेक पोस्ट बना के बैठे हो इधर यूपी बॉर्डर में, इधर जाओ हनुमाना बॉर्डर में, वो लोग पूरा फाइल चेक करते हैं, के लिए स्पेशल बैठे हैं, वो लोग भी चेक करते हैं, वो भी उधर भी एंट्री देना पड़ता है, 800 रुपये उधर भी लगते हैं। ऐसा बात नहीं है, इधर जाओ तुम, जैसा एंट्री में, हर जगह एंट्री में सिंगिंग खत्म करोगे तो उधर भी बॉर्डर बैठ के रखे, उधर भी फाइल चेक होगी तुम्हारी, पेपर चेक होगा, पूरी चीज चेक होती है, और तो बिल्टी तक चेक होती है। किस चीज की एंट्री? इधर जाओ तुम, क्या बोलते हैं, यूपी से आओ इधर, ये कौन सा घाट बोलते हैं, उधर भी आरटीओ बैठता है, मनगावा से जाओ उधर भी आरटीओ, हर जगह चेक, यही बीच में आके बैठा, इसको काहे की चेक करने की जरूरत है, हर जगह ये तो चेक होके आ रही ना फाइल गाड़ी का। खुलेआम वसूली चल रही भैया, आपका वीडियो देखा मैंने अभी फेसबुक में। अच्छा, आपका नंबर देखा तुम्हें, कहा नहीं आपको बताना चाहिए फोन करके। नहीं, चलिए धन्यवाद, और इस मुहिम में आप लोग भी साथ दीजिए, हम अभी। अरे नहीं भैया, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत ज्यादा परेशान है, आपके यहाँ के लोकल जो रीवा के है ना, उनको भी बोलिए, उनको भी बहुत परेशान करते हैं ये लोग। हाँ, ओवरलोड गाड़ी है तो तुम कांटा करा के चलान करो। बिल्कुल, ओवरलोड गाड़ी है तो कांटा करा के चलान करो, ये क्या हुई कि तुम अवैध वसूली लोगे?
उनको लग रहा है डाउट है कोई गाड़ी ओवर लोड है, तुम काटा कराओ उसके, अगर उसके अनुसार पास नहीं करती गाड़ी तो चलान करो उसका। ओवरलोड गाड़ी तो चलाना अवैध है ना, फिर रोड रोड वाला उसको ऐसी तैसी होती है और सरकार से अवैध है वो, तो उसको चलाना ही नहीं है, फिर भी ये चलाते हैं, फिर क्यों चलाते हैं, एंट्री लेके चलाते हैं ये बस क्या बोलते हैं वो लेके घूस लेके, तभी रोड की साला रोड देखना तुम पूरा हनुमान तक टेढ़ा हो गया, ये ओवरलोड चलवा चलवा के हो रहा है, ये साला वसूली ले रहा है सब लोग मिलके। तो ये बताइए इसके वजह से तो एक्सीडेंट भी होते होंगे भागा दौड़ी में? 100% होते हैं, ओवरलोड गाड़ियों का ब्रेक नहीं लगता। नहीं ब्रेक नहीं लगता, और जो किसी को बेवजह परेशान करते किसी का टाइम टाइम, अभी एक बात बताइए कोई गाड़ी टमाटर भर के जा रहा मिर्ची भर के जा रहा, इनके वजह से भाड़ा इतना रहता नहीं है, डीजल इतना महंगा हो चुका है, टोल हर जगह लग रहा है, आदमी को पैसा वैसे ही नहीं बचता, ये अलग से बैठे हैं छाती में मोटर मालिक ड्राइवरों के, कहाँ से आदमी इनको पैसा देगा बताइए भाई। किसी का टाइम टीपी का टाइम खत्म हो रहा है, टीपी का टाइम खत्म हो रहा है, अरे टीपी का टाइम मंडी का टाइम खत्म हो जाता, सामने वाले का भाड़ा कट जाता भैया, इनके वजह से होता है, कई बार इनके गाड़ी भगाने के चक्कर में गरीबा का आरटीओ पार करना, इसलिए कई गायों की एक्सीडेंट इन्हीं की वजह से होता है, जो गाय बहुत सारी रोडों में मरी हुई मिलती है ना, इन्हीं की वजह से मिलती है, क्योंकि आदमी को क्या सोचता है कि आरटीओ मिलेगा भगाओ गाड़ी, गाड़ी भगाने को सोचते हैं 5 बजे आके रात में बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं 4 बजे के पहले पहले निकल जाएं हम तो आरटीओ बच जाएगा, एक्सीडेंट रोड में होते हैं इन्हीं की वजह से होते हैं, क्योंकि गाड़ी भगाने के चक्कर में रहते हैं ड्राइवर, इनसे बचने के चक्कर में। आप कब से चला रहे हो गाड़ी ये? ये लाइन में मैं 3-4 साल से चला रहा हूँ भैया, 4-3 साल से देख रहा हूँ इनको, ये बैठते ही है। अच्छा, लॉकडाउन में बस नहीं बैठे हैं बस, और जब कोरोना लगा था बहुत भयानक था तब भी चलाया, तब भी नहीं बैठे थे, बकाया नहीं तो बैठते ही है। ना 3-4 साल से चला रहे हो आप? हाँ, बहुत दिन से, लेकिन कोई इसका ऊपर आवाज नहीं उठाया, आप पहले आदमी हो जो इसका आवाज उठाए हो। चलिए, आवाज आम आदमी की ही उठानी चाहिए, और मैंने वही कोशिश की। अरे नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारी आवाज़ उठाई। चलिए, मैं आप ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आपकी बात रखूंगा और भी अधिकारी अफसरों के बीच में। देखिए, एक्सीडेंट भी इन्हीं की वजह से होता है, ये बात सही बोल रहा है, क्योंकि आदमी टाइम मिलाने के चक्कर में रहता है, ये 4-5 बजे आके बैठते हैं तो सोचते हैं कि 4 बजे पार हो जाए, उसके चक्कर में कोई क्या स्पीड में रहती है गाड़ी, नहीं तो अगर ये लोग नहीं बैठेंगे तो आराम से आएगा कि नहीं आदमी, आप बताइए। सही, चलो आएगा, इन्हीं के वजह से है सब। ठीक है सुनील जी, जी जी जी, धन्यवाद भैया आपका, बिल्कुल धन्यवाद।